भी हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। साइमा कितनी उम्र है? 33 साल। साइमा मुझे आवाज नहीं आ रही, जरा सीधी होके और ऊंची आवाज में बात। 33 साल। 33 साल। शादी को कितना अरसा हुआ है? 14 साल। बच्चे कितने? 4। लव मैरिज हुई थी? नहीं। कोर्ट मैरिज हुई थी? अम्मी अबू के पसंद है। कोर्ट मैरिज हुई थी जी। शादी कहाँ हुई थी? जिला नारोल किला अहमदाबाद। पसंद की शादी थी ना? नहीं नहीं, घर वालों की मर्जी ना। घर वालों ने की थी। हाँ जी। क्या करता था शोहर आपका? सर्जिकल का काम। किसका? सर्जिकल का काम। सर्जिकल का काम। गांव कौन से? किला अहमदाबाद। क्या मसला था शोहर के साथ? मारपीट का, लड़ाई झगड़े। मारता था? हाँ जी। किस बात पर? नशा करता है मैडम, किसी भी गलत गुस्सा आ जाता है। बताया था बड़ों को जाके? हाँ जी, सारे ने दसिया है। बताया था? क्या कहा वालिदैन ने? सर मैडम अपने हैं ना, कभी कोई मनान आ जाता है, कभी कोई मनान आ जाता है, नहीं सुनी जाती मेरी गल। कोई नहीं सुनता था। अच्छा, मारपीट बच्चों के सामने होती थी? बड़ी बेटी के सामने, 11 साल की बेटी है। और बाकी बच्चे कहाँ होते थे? अक्सर बाहर, यो छोटे ने ना, उन्होंने नहीं पता लगता, बाहर ही होंगे अक्सर, घरों बाहर। ठीक है, तो शादी के जितने साल, ये 13-14 साल बता रही हो, 14 बता रही हो ना? हाँ जी। ये इसी तरह ही गुजरे? हाँ जी। नशा शादी से पहले का करता था या बाद में? पहला। पहले से करता था। तुम्हें कब पता चला कि मेरा मियां नशा करता है? तकरीबन शादी तो 15-20 दिन बाद। 20 दिन बाद? कैसे? किसी ने इन्हों के घर गल्लां करदे पे, लामा आया ही कोई बाहरों, शायद कोई चोरी की सी, तो घर गल्लां करदे पे, तो मैं सुन लिया। फिर कुछ नहीं मैडम, अम्मी होरां नूं दस्सिया उस टाइम ते, उन्हां दी पुप्पो वे मेरी अम्मी जिहड़ी है ना, कुछ भी नहीं बन आया। 14 साल इंज ही गुजर गए, लड़ाई झगड़े, अम्मी होरां कोल 3-3 साल रह के। कभी किसी गैर मत से बातें की? हाँ जी। इससे इत्थों दे ही ने, तीन ऐ 3 महीने पहला होया। 3 महीने पहले की? हाँ जी। कितने आदमियों से? 2। 2 आदमियों से और तीसरा अपना शोहर? हाँ जी। और कौन? एट अ टाइम 2 से बातें करती थी? नहीं, काम करती हमें सारा दिन। एक टाइम पे 2 आदमियों से बातें करती थी? हाँ जी। हैं? एक को दूसरे का पता नहीं चला? नहीं। कैसे, क्या कहती थी? मैडम 10-15 दिन तो होया है। वैसे ही मैं बाहर जाना नंबर ले लिया। आवाज में बात करो। चलो बाहर जानी है, नंबर ले लिया, कार से सब्जी लेन जाना। कहां जाते नंबर लिया? बाहर जाने, सब्जी लेन जाना या आना जाना। खुद लिया था? नहीं, उन्हें दिता। अच्छा, फिर गल कर ली, बस गल ही की, जिन्नी देर तक गल हुई उदी देर तक। क्या बातें करती थी? वैसे ही घर के मसले मसाइल है, किस तरह तेरा शोर किथे वे, किस तरह आई है तू, यही पूछने। और दूसरे से क्या बातें होती थी? मैडम ओदे नाल भी आई, यही बातें होती थी जी। कितने घंटे की कॉल होती थी? मैडम कोई नहीं, बस 10 या 15 मिनट, क्योंकि सारा दिन काम करना, सुबह 8 बजे जाना, रात को 7। जो तुम्हारे मोबाइल की, मैं तुम्हारी जुबान में तुम्हें बताती हूँ, जो कॉलों की हिस्ट्री है, जैसे हम CDR कहते हैं, वो तो घंटों कॉलें। नहीं मैडम, वो काम थे, जिनसे काम थे जाने, उन्होंने भी फोन आते रहे। कितने आदमियों से ताल्लुक थे? 2 नाल ही बस, दसिया था। कहाँ पे मुलाकात होती थी? मुलाकात नहीं हुई कि नहीं होती थी, फिर सोच के बताओ। नहीं मैडम। हाँ? नहीं नहीं होती थी। गांव वाले का क्या नाम है? कुछ नहीं। जिसके साथ? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? वो जो गांव में तुम्हारा मामला था, नजायज ताल्लुकात थे, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? जफर। जफर। जफर शादीशुदा था? हाँ जी। तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी हुई थी? इधर से तुम शादीशुदा हो, उधर से जफर शादीशुदा है। कौन सी अनोखी चीज जफर में तुम्हें नजर आती थी? कितना अरसा उसके साथ ताल्लुकात निभाए? 1 महीना। 1 महीना? फिर बंदा चेंज कर लिया? नहीं मैडम। फिर क्या किया? फिर उठे मैं रहती हूँ, फिर किसी नाल भी नहीं। तुमने अपने शोहर को कहा कि मैंने वहाँ नहीं रहना, मुझे लाहौर में मकान लेके दो? नहीं मैडम, मैं नहीं किया, लड़िया सी, उन्हें आप ही फोन किया, इन्हें आके ले आइयो। किसने कहा था? मेरे शोर ने। किसको? मेरी अम्मी नू। फिर मेरी भाजी जाके मैं ले आई। फिर तुम्हें यहाँ मकान लेकर दिया? नहीं मैडम, मैं अम्मी। 1 लाख रुपया एडवांस दिया? नहीं मैडम। नहीं दिया? पुलिस झूठ बोल रही है? मैडम 1 लाख रुपया लेके आया ही, एडवांस नहीं दिता, जिस दिन आया ही उस तो अगले दिन तो था। नहीं मैडम, मैं अम्मी और नाल में रह रही। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद उसको कत्ल क्यों कराया शोहर को? मैडम लड़ाई झगड़े थे। अजमत।
अजमत नाम है, क्यों कत्ल कराया चार बच्चों के बाद? मैडम 11 साल दी मेरी बेटी उहदे सामने मैनू गाली गलोच गंदा मारना बोलना, कई दफ़ा तो सर्दियों के उन्हें कड़े कपड़े लवा के खड़ा कर दिता। मेरी वड्डी बेटी 11 साल दी मेरे जिड्डी इतों बहुत ही शर्म आती। अब नहीं आ रही? आ रही है मैडम, अभी आ रही है। उस टाइम अपने शौहर से तो बहुत शर्म आती है, जो गैर आदमियों के साथ मिलके, ये जो जावेद है, ये तुम्हारा क्या लगता है? भाई। भाई लगता है? अल्लाह ने जो कुदरती हकीकी भाई बनाए हैं वो हैं जी मैडम। तो फिर एक और भाई की जरूरत क्या थी मैडम? घर आना जाना होता मेरे तो पहला ही भाई कहनी। और जो आदमियों से फोन पर गप्पे चलती थी मुख्तलिफ, वो सब भी भाई थे? वो क्या थे? कुछ नहीं मैडम। क्या लगते थे रिश्ते में? कुछ नहीं। फिर क्यों गप मारती थी? वैसे ही मैडम। वैसे ही नहीं, क्या रिश्ता होता है एक आदमी से जब उसे फोन पर गप्पे मारी जाती हैं? वैसे ही नहीं, यहाँ के किसी और बंदे से नहीं मारी, जिनसे मारी है वो क्या लगते थे? वैसे ही मैडम गल होंगी उन्होंने। क्या लगते थे? कुछ नहीं मैडम। क्यों गप्पे मारी? वैसे ही मैडम, पर टेंशन चाहते परेशान होंगे कभी। ये अपने भाइयों को इमोशनल ब्लैकमेल करके कि मेरा खामद मुझे बड़ा मारता है, मेरा खामद मुझे तंग करता है, इनको कातिल बना दिया। मैडम मारदा तो वाकई इनका क्या कसूर है जो इनको हथकड़ी लगवा दी है? मैडम झूठ नहीं है, मारदा तो वाकई चलन नहीं ठीक, तुम्हारा तो किरदार नहीं ठीक, इनका क्या कसूर था ये पीछे वाले तीनों का जिनको तुमने अपने साथ मिला लिया, बातें सुना के, रोने धोने सुना के? बोलो मैडम, मारता था वो तुम्हें, तुम अलहदा हो जाती, मारता था वो तुम्हें, उसके और हजार रास्ते हैं, तलाक है, खुला है। मैडम खुला का पता नहीं, तलाक वालों क्या ही नहीं देना। ये किसने बताया था खुला का? तुम्हें नहीं पता? ये पता है तुम्हें कत्ल कैसे करना है खामत को अपने? अल्लाह माफ करे, उसके पेट पे बैठ रही हो तुम कि अच्छी तरह मर जाएगा तो उठूंगी मैं। तुम्हें डर नहीं लगा? तुम औरत हो, औरतें तो घबरा जाती हैं देख के ऐसी हालत में। तुम्हें नहीं खौफ आया कि इसके साथ मैंने चार बच्चे पैदा किए हैं, पता नहीं कितने खाने बैठ के इकट्ठे खाए हैं, पता नहीं कितने दर्द, कितने दुख, कितनी तकलीफें इकट्ठे एक कमरे में बैठ के सही होंगी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी सही तो होंगी। बीबी आपसे बात कर रही हूँ मैं, मेरी बातों का जवाब दो मुझे। मैडम गुनाह हो गया, बस पछताना हूँ, फायदा कोई नहीं, पछतावा बहुत है, नहीं होना चाहिए। कैसे कत्ल किया था खावत को? तरीका कार बता दो। छुरी नाल मैडम। छुरी कहाँ से आई? भाई जवेद ले के आया। पूरी बात सुनाओ ना। भाई जवेद ले के आया सी। कहाँ से? बाजार से, पता नहीं कितों ना उन्होंने। अच्छा, फिर तुमने प्लान इनके साथ क्या बनाया था कि आज मेरे खामत को कत्ल करो? हाँ जी बताओ, पूरी बात बताओ। हाँ जी मैं ही क्या ही उन्होंने, मैं क्या ही जागर तो यह काम ना किया, मैं अपनी बेटियां लेकर के शहर थले आ जाना, गड्डी थले आ जाना। फिर मैडम बड़ी मुश्किल है इन्होंने मनाया, फिर शामी जदों मेले तो वापस आया है उदो छोटे भाई ने मुँह से तकिया रखा, वे भाई ने लत्तां फड़ियां ने, भाई ने उन्हें छुरी मारी, मैं उदे बाजू पकड़े। बाजू पकड़े? हाँ जी। खामत के? हाँ जी। फिर जावेद ने छुरी फेरी? हाँ जी। कितनी देर लगी खामत को मरते हुए? 5 मिनट। 5 मिनट। फिर उसके बाद क्या किया मैडम? बस फिर अगले दिन उन्होंने बांध के बाहर सोट दिया। ऊंची बोलना। बाहर सोट दिया अगले दिन बांध के। मुझे नहीं पता, मैं साथ नहीं। मैं साथ। पेट्रोल किसने डाला मुंह पे? छोटे भाई। बता क्यों नहीं रही? छोटे भाई बता क्यों नहीं रही ना? तुम तो कह रही हो बस कत्ल कर दिया, बस बात खत्म। मैडम उस वक्त मैं बाहर सा, मैं अंदर नहीं आया। पेट्रोल? मैडम दोनों भाइयों को पता, मैनू नहीं पता, मैं उस टाइम बाहर से। कहाँ डाला इन्होंने पेट्रोल? मुँह से। मुँह के ऊपर? हाँ। माचिस से तीली लगाई थी? हाँ जी। हाँ क्यों? चेहरा खराब हो गया, पहचान नहीं आना चाहिए। मेरे खामत को आग लगा रहे हैं, मेरे खामत को छुड़ियाँ फेर रहे हैं, तुम्हारे एक एक मिनट के लिए गैरत नहीं जागी? मैडम गलती होगी, गुनाह हो गया। पैक कैसे किया उसको भाई बोरी में? मैडम इन्होंने किया ही, मैं अंदर नहीं। तुमने क्या किया? मैं बस जेरा काम किया से दस दिता, उसके बाद मैं नहीं कुछ भी किया। उसके बाद कहाँ गई तुम? मैं दूसरे कमरे च। क्या किया जाके? मैं बस मैडम मेरा बीपी लो हो गया, मैं लेट गई। फिर सो गई? नहीं, नींद नहीं की, आ कितों आंदी।